सलमान खान ने क्यों किया भारत फिल्म के गानों का खुलासा? भारत फिल्म के गाने किन दो फेस्टिवल पर बेस्ड हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत के गानों का खुलासा कर दिया गया है, जिसका सलमान खान के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि भारत फिल्म में फेस्टिवल सीजन पर बेस्ड 6 गाने रखे गए हैं, जिनमें से 3 गाने होली, दिवाली और शादी को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं और बाकी के 3 गाने रोमांस, ट्रेजेडी और अदर पर आधारित है। दोस्तों, वहीं 40 दिन के शूटिंग शेड्यूल में 50 और 60 के दशक का सेट लगाकर दिल्ली में शूट किया गया है और बाकी के गानों को माल्टा में शूट किया गया है। जैसा कि भारत फिल्म के जरिए भारतीय इतिहास को अगर आप देखेंगे तो सलमान खान अपनी इस फिल्म में भारतीय तीज त्योहारों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश में होली और दिवाली बहुत ही खास पर्व है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का गाना खाई के पान बनारस वाला होली पर बेस्ड गाना था। तो गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सलमान खान भारत में डॉन स्टाइल वाला सॉन्ग रखना चाहते हैं। और वहीं ये भी कहा गया है कि एक गाना भारत की थीम पर फोकस्ड होगा, जो पूरी तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत होगा। और इसी के साथ इस बार भारत फिल्म में म्यूजिक विशाल शेखर दे रहे हैं और गानों को लिखा है इरशाद कामिल ने। इसी के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जूलियस पक्किल और सिंगर है विशाल ददलानी, सुखविंदर सिंह और रावजियानी। दोस्तों, वैसे विशाल ददलानी और सलमान खान का रिश्ता बहुत पुराना है। टाइगर जिंदा है में स्वैग से स्वागत और सुल्तान में टुक टुक गाना, इन दोनों गानों को लोगों ने खूब पसंद किया था और यहीं से सलमान और विशाल की दोस्ती शुरू हुई। और दोस्तों, आपको बता दें कि स्वैग से स्वागत गाने को अभी तक 690 मिलियन बार देखा जा चुका है और इस गाने ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसीलिए इस बार भी अली अब्बास जफर को उम्मीद है कि भारत का गाना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सलमान खान अपने ही गाने स्वैग से स्वागत का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।